हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना में रविवार को सीएम के कारकेड पर पथराव किया गया। गनीमत रही कि काफिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। काफिले में मौजूद 3 से 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। मामला गौरीचक थाना के सोगी गाँव के पास का है। दरअसल सोमवार को सीएम गया में जाएंगे, वहां पर सूखे की मीटिंग करेंगे और रबर डैम का निरीक्षण भी करेंगे। इसी वजह से कारकेड गया जा रहा था। सोहरी गांव का एक बच्चा 2-3 दिनों से लापता है और युवक का शव मिला है, जिसे लेकर बच्चे के परिजन सड़क जाम किए हुए थे। इसी दौरान कारकेड उस रास्ते से गुजरने लगा। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने नीतीश कुमार के कारकेड के काफिले पर पथराव कर दिया, जिससे कि काफिले में शामिल 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूट गए। अगली खबर, किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए परिवार में बनी सहमति। सितंबर में लालू यादव जाएंगे सिंगापुर। राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को किडनी की गंभीर बीमारी है, उनको इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि परिवार के अंदर इसको लेकर सहमति बन गई है। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर महीने में लालू यादव सिंगापुर जा सकते हैं। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सिंगापुर जाने के लिए अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाज़त पहले ही दे दी है। उनकी सेहत उस समय से अब ठीक है जब 3 जुलाई को राबड़ी देवी के आवास में गिर गए थे। 4 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती किए गए थे। अगली खबर, आरजेडी में नए नेतृत्व का देखने लगा असर। संगठन में लालू यादव से अलग तेजस्वी A to Z को तरजीह दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल में नए नेतृत्व का असर दिखने लगा है। संगठन चुनाव में तेजस्वी यादव के A to Z यानी सबका साथ के फॉर्मूले को प्राथमिकता दी जा रही। इसमें लालू प्रसाद के माँ यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से आगे के संस्करण की झलक है। प्रखंडों जिलों के अध्यक्ष पद के चुनाव में अति पिछड़ा को 28% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC/ST को 17% आरक्षण देना है। इसके चलते रोस्टर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजद के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन ने दावा किया है कि देश में किसी भी दल के संगठनात्मक ढांचे में राजद की तरह आरक्षण व्यवस्था नहीं की गई है। अगली खबर, फिर से चर्चा में आए जहानाबाद के DM रिची पांडे। कहा नहीं चलेगा टी शर्ट और जींस, फॉर्मल ड्रेस में आइए ऑफिस। आपको बता दें कि यदि आप जहानाबाद समाहरणालय में कार्यरत हैं तो अपने पोशाक को लेकर सचेत हो जाइए, वरना किसी दिन गाज गिर सकती है। अभी तो सिर्फ डांट ही मिली है, सुधार नहीं होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। जहानाबाद के जिलाधिकारी ऋषि पांडे के द्वारा समाहरणालय के अधिकारियों और कर्मियों के पहनावे को लेकर जमकर क्लास लगाई गई। दरअसल कई अधिकारी से लेकर कर्मी तक जींस पैंट और टी शर्ट में कार्यालय पहुंच जाते हैं, जो जिलाधिकारी को तनिक भी पसंद नहीं है। और जिले में योगदान देने के साथ ही DM ऋषि पांडे ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को फॉर्मल पैंट शर्ट में कार्यालय आने की नसीहत दे दी है। अगली खबर, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति 3 दिवसीय किशनगंज प्रवास के दौरान पहले दिन ठाकुरगंज पहुंची। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा कार्यकर्ताओं को देवतुल्य की संज्ञा कहते हुए कार्यक्रम में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की पूंजी और पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया। ठाकुरगंज नगर एवं प्रखंड क्षेत्र के कई स्थानों का दौरा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनी। इस क्रम में प्रेस से मुखातिब होते हुए अपने संबोधन में साध्वी निरंजन ज्योति ने मोदी सरकार के 8 साल में किए गए कामों की सराहना की। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफा देने के बाद लगातार JDU के खिलाफ हमला बोल रहे। JDU ने भी RCP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच सुपौल के JDU जिलाध्यक्ष ने बैठक कर कार्यकर्ताओं को RCP सिंह को जिले में घुसने नहीं देने की बात कही। इसके बाद से बिहार की सियासत गर्म है। BJP नेता नीरज बबलू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का समर्थन किया। अब उसके बाद जमुई के सांसद चिराग पासवान भी RCP सिंह के साथ खड़े हो गए और कहा कि गुंडागर्दी है क्या, हम भी जाएंगे सुपौल, कोई रोक कर दिखाए। जमुई सांसद चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान RCP सिंह को सुपौल में घुसने नहीं देने की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में कोई भी कहीं भी जा सकता है, जनता के बीच सब लोग जाएंगे और कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। अगली खबर, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप। सुशील मोदी ने बोला बड़ा हमला। बिहार की नई महागठबंधन सरकार के मंत्री लगातार प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। भाजपा एक एक कर सरकार में शामिल राजद कोटे के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल रही। भाजपा के नेता राजद कोटे के मंत्रियों पर दर्ज आपराधिक मामलों को गिना रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। सुशील मोदी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2013 में वर्तमान कृषि मंत्री पर कैमूर जिले के रामगढ़ थाने में 5 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का केस दर्ज है। वर्तमान में सरकार का ब्याज समेत 12 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है।
इसके लिए सुधाकर सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। सुशील मोदी ने कहा कि राज्य के कृषि मंत्री राज्य सरकार की संपत्ति के गबन करता है। सुधाकर सिंह के द्वारा आपराधिक कार्य भी किए गए। अगली खबर, बिहार में नए सिरे से लगेंगे बिजली के 5G स्मार्ट प्रीपेड मीटर। मीटर से उपभोक्ताओं के होंगे कई फायदे। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे संचार की तकनीक में बदलाव संभव है। राज्य कैबिनेट के फैसले के मुताबिक संपूर्ण बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने को लेकर इन दिनों आधारभूत संरचना पर काम चल रहा। केंद्र सरकार की एजेंसी EASL के द्वारा पूर्व में कई शहरों और शहरी इलाकों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लगाया गया था। अब कई अन्य एजेंसी काम में लगी है। बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक जो निजी एजेंसी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है, उन्होंने यह कहा है कि जो नए मीटर लगेंगे उसके लिए वह 5G तकनीक उपलब्ध कराने वाली टेलीकॉम कंपनियों की सेवा लेगी। यह सिस्टम 4G सिस्टम की तुलना में अधिक स्पीड वाला होगा। इससे उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद बिजली तुरंत नहीं बहाल होने की शिकायत भी कम होगी। अगली खबर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही और सुबह 8 बजे तक 48 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर पहुंचने की संभावना है। JP गंगा पथ के किनारे गंगा की तेज धाराएं बह रही। गंगा का जलस्तर इलाहाबाद, वाराणसी, बक्सर में भी बढ़ रहा। अधिकारियों का कहना है कि गंगा किनारे लोग ना जाएं, तेज धारा के कारण खतरा है। कुर्ची मोड़ के पास स्थित बिंद टोली भी गंगा के पानी से घिर गया है। जेपी गंगा पथ बनने के कारण लोगों को राहत मिलने की संभावना है। अगली खबर, पटना में 3 और 4 सितंबर को होगी JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें कि JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगले माह 3 सितंबर को JDU के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में होगी। वहीं 4 सितंबर को पटना में ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। 3 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले उसी दिन सुबह 11 बजे JDU की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक का महत्व इसलिए विशेष है कि NDA गठबंधन से अलग होने के बाद JDU की यह पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है। पार्टी की तीनों बैठकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद होंगे। अगली खबर, बिहार में युवा का सरकार से उठ गया है भरोसा, इसलिए कर रहे हल्ला बोल यात्रा। 23 सितंबर को पटना में होगा सम्मेलन। देश में भीषण बेरोजगारी और बढ़ती आत्महत्या के खिलाफ युवा नेता अनुपम के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुई हल्ला बोल यात्रा दरभंगा पहुंची। बिहार के सभी जिलों से होते हुए अनुपम की यात्रा 23 सितंबर को पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ खत्म होगा। यात्रा के दौरान अनुपम सिर्फ समस्या को चिन्हित नहीं कर रहे बल्कि समाधान भी बता रहे। बेरोजगारी संकट के समाधान के तौर पर भारत रोजगार संहिता का प्रस्ताव दिया गया है। भारत रोजगार संहिता को संक्षिप्त में भरोसा कहा जा रहा। अपनी यात्रा के माध्यम से अनुपम सरकार से भरोसा मांग रहे और इस प्रस्ताव के इर्द गिर्द जन समर्थन जुटा रहे। अगली खबर, अग्निवीर बनने के लिए हो जाएं तैयार, बिहार में भर्ती रैली। आपको बता दें कि बिहार में अग्निवीर भर्ती रैली 2022 का शेड्यूल घोषित किया गया है। सेना ने महिलाओं के लिए भी भर्ती रैली का आयोजन किया है। अग्निवीर महिला भर्ती रैली में बिहार और झारखंड की महिलाएं शामिल हो सकती है, जबकि बिहार के पुरुषों के लिए हो रही रैली में बिहार के 7 जिलों के युवा शामिल होंगे। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए आवेदन करने वाले बिहार के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। आपको बता दें कि दानापुर में भर्ती रैली की डेट पता चल गई है और भर्ती रैली को लेकर संबंधित अधिकारियों ने बैठक की और बहाली की डेट सहित अन्य मुद्दों की जानकारी दी। बिहार में भारतीय सेना की भर्ती रैली का आयोजन 7 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2022 तक कुल 20 दिनों तक चलेगी। भर्ती रैली में शामिल होने के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। भर्ती रैली का आयोजन दानापुर केंद्र में किया जाएगा। इसका पता है न्यू KLP कॉम्प्लेक्स चांदबारी के समीप दानापुर कैंट पटना। अगली खबर, भारत सरकार नहीं करेगी गेहूं का आयात, कहा देश में खाने के लिए पर्याप्त गेहूं मौजूद। हीट वेव के कारण पैदावार में आई है कमी, भारतीयों को खिलाने के लिए देश में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध है। सरकार ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए दावा किया जिसमें कहा गया कि देश के हर साल उत्पादन में कमी हो रही, लगातार दाम बढ़ रहा है, इसकी वजह से भारत सरकार गेहूं का आयात करने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि PM मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने पर कहा था कि उनका देश दुनिया को गेहूं का निर्यात कर सकता है, लेकिन उत्पादन में कमी की वजह से निर्यात नहीं हो पाएगा। हीटवेव के कारण इस साल देश में गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, जिसकी वजह से गेहूं की कमी को पूरा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने इस खबर को अफवाह करार दिया है और कहा कि भारत सरकार के पास देशवासियों को खिलाने के लिए पर्याप्त गेहूं मौजूद है।